हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्रोग्रामिंग की है और पाइथन प्रोग्रामिंग में खास क्या है आइए आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर एक ए नाम से बनाता हूँ और यहाँ पे क्या लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ इस तरीके से, ये देखिए स्मॉल ब्रैकेट बना रहा हूँ और स्मॉल ब्रैकेट जो है टपल की पहचान होती है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा नेम, एन ए एम ई, नेम लिख दिया, नेम इज इक्वल टू क्या करेंगे आर ए एम, राम कर देते हैं, इस तरीके से आपको करना है ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं कॉमा लगा करके एज कर देते हैं, एज इज इक्वल टू 32, 33 कुछ भी ऐसे दे दिया ठीक है। ये देख सकते हैं यहाँ पे क्या करना है, अब इसको प्रिंट करवाना है तो यहाँ प्रिंट करवाते हैं ए को, देखते हैं क्या होता है। ध्यान दीजिएगा स्मॉल ए लिखा है तो स्मॉल ए ही प्रिंट करवाना है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये नेम में एरर है। अभी क्या करना है, यहाँ पर तो एरर आ जाएगी अगर अब हम इसे चलाते हैं तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डिक्ट इस्तेमाल करेंगे, तो डिक्ट इस्तेमाल किया, अब देखिए डिक्ट यानी डिक्शनरी की बात हो रही है ये, तो यहाँ से अगर इसको चलाते हैं तो देखिए ये पूरा का पूरा चल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डिक्ट नहीं लिखता, ध्यान दीजिएगा अगर मैं यहाँ पे डिक्ट नहीं लिखता तब ये एरर जनरेट करता। तो F5 करेंगे तो ये देखिए ये एरर आएगा, सिंटेक्स में भी मिंट इज इक्वल टू ऐसे करके आएगा ये। चलिए एक बार इसका टाइप पूछ के देखते हैं। देखिए यहाँ मैंने टाइप लिखा है, यानी इसका हम टाइप पूछ रहे हैं कि इसका टाइप क्या है ठीक है। वैसे दिख ही रहा है कि ये डिक्ट टाइप है, तो यहाँ पे F5 करते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्लास डिक्ट ही बताएगा, इसे डिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। भले ही इसे स्मॉल ब्रैकेट में लिखा गया लेकिन यहाँ पे डिक्ट लिख देने से ये हुआ कि ये डिक्शनरी में कन्वर्ट हो गया ठीक है। ओके,